बताओ, हम लोग अभी नहा धो के तैयार हो गए, सीढ़ी उतर रहे क्योंकि हम लोग को फ्लोर मेन पता नहीं था कौन से फ्लोर पे जाना है, तो नीचे तक आए, फिर एक फ्लोर और जाना था तो सीढ़ी उतर लिया। अभी तो होटल ग्रैंड प्लाजा से हम लोग उतर के बाहर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे। तो दिस इज़ द होटल एंट्रेंस जो हम एग्जिट मार रहे हैं, एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मल्टी कंट्री, एंड दिस इज़ द लायन, इट्स अ गोल्डन लायन, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ ओरिजिनल गोल्डन और ओनली शेडेड। तो फिलहाल भाई का इच्छा है कि हम मैप लगाए और कहीं जाए, ठीक है, तो अभी जाते हैं हम लोग। यो, कैसा लग रहा भाई थाईलैंड के जमीन पर चलते हुए? थाईलैंड के जमीन पे बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मजा भी आता है। ये मजा है ना, किसी मशीन में नहीं हम गिन सकते, ना किसी मशीन में हम माप सकते। वाह वाह वाह, मतलब अब मतलब शब्दों पे मत जाए, भावनाएं समझिए। बस भाई बस, मन की बात बोल देते। तो अभी हम फिलहाल निकलते हैं, देखते हैं आगे स्ट्रीट में क्या क्या है, क्योंकि फिलहाल स्ट्रीट तो, और हम यहाँ आए स्ट्रीट फूड नहीं खाए तो क्या खाए, लेकिन वहाँ पे हम नॉनवेज भी नहीं खा सकते, कुत्ते भी बेचते हैं यहाँ पे सुनने में। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। फिलहाल हम घूम रहे हैं, हमारे शक्ल पे लिखा हुआ है हम इंडियन है, तो सब आसपास जो भी हैं सब नमस्ते नमस्ते करके ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, यहाँ का मतलब मसाज वगैरह ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, फुट मसाज, हेड मसाज, फेशियल मसाज, विच टाइप यू वांट यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। तो फिलहाल हम लोग का फोकस ऑन बीच, तो पटाया बीच पे जा रहे हैं हम लोग। टू शेयर दिस इज माई फर्स्ट इंटरनेशनल बीच आफ्टर माई मड आइलैंड बीच। लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि मड आइलैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, एंड दिस इज द माई फर्स्ट इंटरनेशनल बीच वे आर आई एम विजिटिंग हेयर। दिस इज द पटाया सिटी बीच, वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लीन। एंड ये गलती मैंने कर दी, आप मत करना, मैं शू पहन के आ गया यहाँ पे, ये शो अभी कल पहनने लायक नहीं रहेगा और शायद कभी पहनने लायक ना रहे। गलती से अगर मैं पानी में चला गया तो। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ बीच, तो दिस इज़ द व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल बीच, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, मतलब जो क्रूज वगैरह है या स्पीड बोट्स हैं सब यहाँ पे से लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ पे पैसे भी लग रहे सबके अलग से। एंड ये पूरा बीच यहाँ से लेके वो कोने से लेके वो कोने तक वो फैला हुआ है, मतलब काफ़ी लंबा है। एंड क्लीन अगर वाटर कलर बोलेंगे तो हल्का ग्रीनिश है, जैसे पिक्चरों में दिखता है कि ब्लू है, ब्लू जैसा तो नहीं है बट ग्रीनिश है और क्लीन है। देखो क्लीन, अभी मुझे एक कचरा दिखा, वाटर बॉटल कुछ तो है वहाँ पर, बाकी और कुछ कचड़े नहीं दिख रहे। अपने मरीन ड्राइव जैसा नहीं है कि खाली कचड़े ही दिख रहे, पानी तो दिख ही नहीं रहा, काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अच्छा है पटाया। तो ऐसा है कुछ पटाया बीच, यहाँ पे आपको सन रखा हुआ है, इसके अलग अलग चार्जेस है, आप यहाँ पे ले के रह सकते हो, और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, नेचुरल फ्रूट्स वगैरह भी, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाना चाहो तो भी खा सकते हो। ओ पटाया कैसा लग रहा है सुधीर? एक नंबर मजा आ रहा। ये मेरा दोस्त है सुधीर, गुड टू बी इन पटाया बीच, गुड टू बी इन पटाया बीच। चलो तो थोड़े फोटोज एंड ऑल लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं होटल्स के लिए। भाई जाना है क्या आगे? मेन गेट जाना है, चलो देखते आगे कैसा है, बाकी ये बीच ऐसे ही है भाई। भाई कुत्ता दिखा, पहला कुत्ता दिखा थाईलैंड में, सुना यहाँ कुत्ते भी मार के खा जाते हैं, पहला कुत्ता दिखा, इस वजह से हम कुत्ते ढूंढ रहे थे। अरे पीछे भी आ रहा है, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा, थोड़ा जबरदस्त है। ओके चलो,
नो नो थैंक यू थैंक यू थैंक यू नो। ये स्ट्रीट है मरीन ड्राइव जैसा है, मरीन ड्राइव से कंपेयर करने इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ आए नहीं हो लेकिन आप मरीन ड्राइव गए हो, तो स्ट्रीट वैसे ही चलने के लिए आसपास हरियाली थोड़ी ज़्यादा है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब ठीक है, बीच क्लीन है, मस्त है, आप आ सकते हो, मस्त है, मस्त जगह, मज़ा आ रहा है, बस हवा तो एक नंबर आ रही है।